राष्ट्रीय बेसहारा विकलांग वेलफेयर फेडरेशन के द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए धनबाद के विकलांग बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया गया। फेडरेशन कार्यालय फेसदी पाड़ा में कंबल वितरण के दौरान एक और जरूरतमंदों में जहां खुशी देखी गई, वहीं फेडरेशन के जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जाता है। अभी तक सैकड़ों लोगों के बीच कंबल बांटा जा चुका है। ठंड रहने तक कार्यक्रम जारी रहेगा। हम लोग राष्ट्रीय बेसहारा दिव्यांग वेलफेयर फेडरेशन के द्वारा गरीब दिव्यांग बूढ़ा बूढ़ी लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है। ठंड के काफ़ी ठंड के समय है, इस वजह से प्रत्येक वर्ष कंबल वितरण किया जाता है। कितने लोग कंबल वितरण किए हैं अभी तक? तो सैकड़ों लोगों को कंबल वितरण कर चुके हैं। कितने कंबल वितरण करने का टारगेट? अभी तो हमारा टारगेट तो जितने भी लोग आएंगे सभी लोगों को देने का टारगेट। कहाँ पर आप कंबल वितरण कर रहे हैं? हमारा यहाँ बिस्ती पड़ा कार्यालय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव, राष्ट्रीय बेसहारा दिव्यांग वेलफेयर फेडरेशन धनबाद जिला अध्यक्ष। क्या कुछ कार्यक्रम किया? कार्यक्रम ये आप लोग देख ही पा रहे हैं, जैसे इसमें राष्ट्रीय बेसहारा विकलांग वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से वार्ड नंबर 27 में ये उर्मिला देवी का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है कि गरीबों के लिए इतना सोचती है। हर साल उनको देखते हैं यहाँ पर गरीबों शीत के जाड़ा के शुरुआत में ही इनका कम्बल लेके सब गरीबों में बांटना यहाँ काफी इस मोहल्ला से और बाकी मोहल्ला से भी किसी गरीब को नहीं छोड़ती है। कोई भी आए इनके द्वार में, कोई ऐसे नहीं जाते हैं, सबको कंबल बांट रही है। ये हम लोग के लिए, इस वार्ड के लिए भी बहुत बड़ा हमारा, हम खुद गर्व महसूस करते हैं कि उर्मिला देवी और उनके पति भी जो है प्रमोद जी का भी बहुत बड़ा इनका सहयोग रहता है। दोनों मिलकर सब गरीबों को गरीब कंबल बांट रहे हैं, इसलिए हम इन लोगों का तय दिल से भी आभारी हूँ। सबकी तरफ से भी इनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा नाम चित्र दत्ता है, मैं वार्ड नंबर 27 में। कितने कंबल बांटने का आपका लक्ष्य है? हाँ, यहाँ करीब पिछले साल 400 करीब हम देखे थे, अभी तो यहाँ शुरुआत ही हुआ है। उससे भी ज्यादा इस साल को और ज्यादा कंबल देख रहे हैं, लगता है कि इससे और ज्यादा ही जाएगा, 600-800 भी हो सकता है।